मैं नहीं कहीं छुप सकती, हर जगह मुझे पकड़ लेते हैं। मैडम जी सेल्फी, फिर आगे जाना है आपने। गाड़ी चाहिए, आपने प्राडो रखी होगी, BMW रखी होगी, मर्सिडीज रखी होगी। कहते हैं ना खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। कहाँ पैदा हुई और अब कहाँ बराबर है? मैं लोगों के दिलों में रहती हूँ। नमाज वगैरह भी पढ़ती है? तो लड़की है वो। जिम मेरा, जो मैं रात को डांस करती हूँ, सारा जिम ही है। मुलाजिम आपने कितने रखे हैं? कितने मुलाजिम हैं जो गाड़ी खोलने वाला, घर को देखने के लिए? मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू देखते ही जो ना FBR वाले मुझे कॉल कर देंगे। टिकटॉक बनाना आजकल की ये तो कसम से बीमारी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं PAK TV.TV और मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा महक मलिक के साथ। करोड़ों लोग इनके फैन हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी रूटीन क्या है, कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जागती हैं, कहाँ रहती हैं, उनकी उम्र क्या हो चुकी हुई है, उनके उनकी ड्रेसिंग पर कितना खर्चा हो जाता है। इस तरह के हम सवालात उनसे पूछेंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को बताएं क्या सोने जागने की आपकी रूटीन होती है? हमारे सोने जागने की यही होती है कि हम सुबह फंक्शन से जब वापस आते हैं 2-3 बजे ऑलमोस्ट आ जाते हैं हम वापस, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और जोहर टाइम उठ जाते हैं। अच्छा, जोहर के टाइम आप उठते हैं? जोहर के टाइम उठते हैं। अच्छा, और आपको भी मैंने मगरिब के बाद इसीलिए कहा था कि हम मगरिब के बाद आएँ ताकि जो है ना कोई बीच में अगर इंटरव्यू पे टाइम लगता है तो नमाज कोई कज़ा ना हो, इसलिए मगरिब के बाद का टाइम दिया। नमाज वगैरह भी आप पढ़ती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हमें आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप फिट हैं, हाइट साइड भी आपकी ठीक है, तो फिटनेस के लिए आपने क्या खुराक रखी हुई है? जिम शिम भी आप क्या ज्वाइन करती हैं? जिम मेरा, जो मैं रात को डांस करती हूँ, सारा जिम ही है। तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जब कभी पड़ी तो फिर जाऊँगी जिम, अभी तो नहीं। अभी तक वैसे आप जिम करती रही होंगी? नहीं, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। ये फिटनेस बनती है आपने खुद ही डांस वगैरह? रात को इतना फंक्शन हो जाता है, वो जिम वाले जो ऊपर नीचे सब कुछ करवाते हैं, वो बाजू हाथ पांव सारा वो तो हिल जाते हैं, तो वो फिर फंक्शन पे डांस करते हुए सारा वो हो जाता है। अच्छा, तो एक वक्त था अभी भी माशाल्लाह अरूज पर ही हैं, नरगिस से ज़्यादा आप मुआवजा लेती रही हैं यकीनन। गाड़ी चाहिए, आपने प्राडो रखी होगी, BMW रखी होगी, मर्सिडीज रखी होगी, कौन सी गाड़ी है आपके पास? ड्राइव खुद कर लेती हैं, लाइसेंस बनाया हुआ आपने? मुझे लगता है कि आपका इंटरव्यू देखते जो ना FBR वाले मुझे कॉल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जत ज़िल्लत तो अल्लाह के हाथ है, इज्जो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ने इज्जत दी है तो सबको दे परवरदिगार, तो अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर दिया हुआ, ये सारी उसकी रहमत है। गाड़ी बता दें जो भी है, उसको बता दें। सिविक रखी हुई मैंने। अच्छा, सिविक भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है, वो तो वैसे ही आपने बता रही होगी ना कि कहीं छापा ना पड़ दे पर्स वालों का। नहीं, वही रखी है। लेकिन हमें किसी ने बताया कि आपने अपने पास प्राडो रखी है ये। कुछ आप थोड़ा सा सीक्रेट भी रहने दें। अच्छा, तो मुलाजिम आपने कितने रखे हैं? कितने मुलाजिम हैं जो गाड़ी खोलने वाला, घर को देखने के लिए, किचन के लिए सामान बनाने वाला, कुकिंग करने वाला, कितने मुलाजिम हैं आपके? 10-12 हैं मुलाजिम। मैं, स्टाफ मेरा है और मेरे साथ मेरे भाई हैं, बहनें हैं, सारे मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और कभी मैंने उनको स्टाफ जो है ना मुलाजिम नहीं समझा। तो जब भी उनको मैंने उनका तारुफ करवाया तो यही कहा है कि ये मेरी फैमिली है और हम फैमिली की तरह ही घर पर रहते हैं। ड्राइव वगैरह तो आप खुद करती हैं, शौक है, वो भी है? हाँ, लाइसेंस वगैरह बनाया हुआ? हाँ, बनाया हुआ, और कभी कभी करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। सिक्योरिटी गार्ड कितने रखे हुए हैं आपने? सिक्योरिटी गार्ड सुबह शाम की दुआएं। देखिए ना, जब हमारे अल्लाह ने बताया कि आप ये दुआ पढ़ेंगे तो आपकी इस तरह से हिफाजत होगी, ये दुआ पढ़ेंगे तो इस शर से बचेंगे, ये दुआ पढ़ेंगे तो ये जो है ना आप ऐसे जो है ना लोगों के शरीरों के शर से, हासदों के हसद से महफूज रहेंगे, दुनिया की परेशानियाँ, दुनिया आसमान की आफत बलाओं से आप महफूज रहेंगे। तो फिर सुबह शाम की दुआएं पढ़ लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह फजर के बाद जो होती है, शाम को मगरिब के बाद। अच्छा, जो होती है वो पढ़ लेती हूँ, फिर अल्लाह की हिफाजत में बंदा आ जाता है, हमारा ईमान है अपने अल्लाह पर। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं कि आप रहती कहाँ पर? मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं कि महक मलिक गुजरात की रहने वाली है, महक मलिक जुनूबी पंजाब की रहने वाली है। आप बताएं कि आपका आबाई शहर कहाँ और कौन सा है, कहाँ पैदा हुई है और अब कहाँ पर आप रहती हैं? मैं लोगों के दिलों में रहती हूँ। मैं पैदाइश, मेरी आबाई शहर हमारा गोजरा है। अच्छा। तो उसके बाद हम फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। फैसलाबाद कब शिफ्ट हुए? फैसलाबाद 8-10 साल हो गए। 4-10 साल जी। पैदा आप गोजरा में हुई? गोजरा में हुई है। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप ये बताएं कि आपकी जो ड्रेसिंग रहती है, कहते हैं बड़ी महंगी, बड़ी कीमती होती है, तो ये कितना खर्चा आप होता है, इस तरह आप इसको मैनेज कर लेते हैं? वो कहते हैं ना खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे। तो करना पड़ता है, ये दुनिया है, तो खर्चा तो काफ़ी हो जाता है
और वो तो नजर आते ही है सबको। चलो आप ये बता दे कि ये भी माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहा है, ये कितने का होगा हमारे व्यूअर्स को बता दे। ये मैंने ब्रेकआउट से लिया था, अब मैं काफी सारी शॉपिंग वहां से की थी, अब मुझे इसका पता नहीं है कि ये कितने का आया। फिर भी अंदाजा कि 30,000 35,000 25,000 20,000 कितने का पता नहीं। मैं इसलिए पूछ रहा था कि हमारा जो सीईओ साहब है ना, वो भी मर्ज सर्दी क्या पता बढ़ा दें, जब सुने कि आपका सूट इतना महंगा। नहीं वैसे मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगी कि माशाल्लाह इतनी सर्दी में और इतनी जो है ना ये मेहनत करते हैं आपके लिए, आपके चैनल की इतना एफर्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि इनके साथ अच्छे से कंप्रोमाइज करें। अच्छा, तो आप हमें यही बताएं कि आप मेकअप भी करती हैं, ड्रेसिंग भी चूज करती हैं, ये आपकी अपनी पसंद होता है या कोई डिजाइनर वगैरह आपको बताता है कि ये आपकी बॉडी के साथ अच्छा लगेगा, ये आपके कलर के साथ अच्छा लगेगा, ये मैच करें? हाँ नहीं, डिज़ाइनर मेरे हैं, मतलब के बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, गुजरखान, हर जगह हैं। कोई मैक्सी बनाने वाला है, कोई फ्रॉक बनाने वाला है, कोई शलवारी कमीज़ें बनाने वाला है, कोई ड्रेसिंग लहंगे चोली बनाने वाला है, मतलब कि हर किसी का अपना काम है। क्योंकि वो फलां जो है ना मैक्सी अच्छी बनाता है, वो लहंगा अच्छी बनाते हैं, और जो है ना कोई शलवार कमीज़ें अच्छी बनाता है, तो ऐसे अलहदा अलहदा हैं। चॉइस मैं खुद करती हूँ, चॉइस आपकी खुद, चॉइस मेरी, कलर काम सब वो चॉइस मेरी होती है। अच्छा, जब आप फारिग होती हैं तो उस पर क्या आपकी एक्टिविटीज़ होती है? सबके साथ शरारतें करना, उसको छेड़ उस वो क्यों ऐसे आराम से बैठा हो, उसको छेड़ो उसको छेड़ो, और मोबाइल में घुसे रहना, टिकटॉक बनाना, आजकल की ये तो कसम से बीमारी है, और हम प्रोफेशन है हमारा और हमारी मजबूरी है कि इस फील्ड में जो है ना साथ साथ सबके चलना पड़ता है, नहीं तो ये तो एक जो है ना रोग लग गया टिकटॉक, सबको रोग लग गया है कि बनाना ही बनाना है, फजूल की कोई आफत हमारे सर पड़ गई है ये। कभी जब शॉपिंग करने जाती है, फैन देख लेते हैं, घेर लेते हैं, सेल्फियां बनाने के लिए आपको एक जगह कोई ऐसा वाक्य हमारे साथ शेयर करते हैं जब आपको गुस्सा भी आया या आपको वाक्य बहुत ज़्यादा पसंद आया हो? नहीं, एक जगह, ये तो वाक्य हर जगह और हर रोज़ होते हैं। जहाँ भी जाती हूँ ना, सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, जाहिर बात है उनकी होती है कि ड्यूटी होती है कि कोई इशू ना हो, सबको मेंटेन रखना, हर चीज़ को, आने वालों का ख्याल रखना। सबसे पहले जो वहाँ के सिक्योरिटी होते हैं, मॉल के सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं, सबसे पहले तो वो, मैडम जी सेल्फी, फिर आगे जाना है आपने। तो ऐसे तो वाकई बहुत सारे होते हैं मदा और जानने वाले। और शॉपिंग तो मैं कर ही नहीं पाती, पहले तो कुछ अरसा ना, काफ़ी अरसा मैं घर पर बैठी होती थी और अपने लड़कों को भेजती थी, साथ मेरी जो दोस्त हैं उसको भेजती थी, और मैं व्हाट्सअप ऑन करके बैठ जाती थी और वो मुझे वहाँ से तस्वीरें खींच खींच के जो है ना मुझे व्हाट्सअप करते थे, जूतों के, कपड़ों के। तो ऐसे मैं चॉइस करती थी कि हाँ ये ले आओ ये ले आओ। फिर मैं कुछ अरसा बैठी रही, मैंने कहा यार मैं तो घर बोर हो गई हूँ बैठ बैठ के, मैंने खुद शॉपिंग करने जाए, मैं कहा चलो इस्लामाबाद जाती हूँ, तो वहाँ गीगा मॉल इधर उधर ना कुछ फ्लोरा सारे जाती हूँ, वहाँ पे मैंने कहा हाई फाई लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं सारे, तो वो उनके तो वो कोई टेंशन नहीं होगी ना, सब अपने एटीट्यूड में होते हैं। लेकिन आप यकीन करें, वहाँ जो सिचुएशन थी ना वो दूसरे मॉल में भी मैंने नहीं देखी। वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग और इतने खूबसूरत जो है ना प्यारे प्यारे लोग, और वो सब जो है ना क्वालिफाइड और पढ़े लिखे और सारे अमीर, जो मैं समझती थी कि वो उनमें एटीट्यूड होता है तो वो मतलब नहीं टेंशन देंगे। तो वो मैं दुकान में जाती थी तो उसके अंदर सारी दुनिया घुसाती, मुझे ऐसा लगता है सारे मॉल के लोग यहीं आ गए और वो सबको निकाल रहे हैं कि भाई बाहर आके सेल्फी लेना, अंदर अलाउ नहीं है। तो मैं दुकान में अंदर शॉपिंग कर रही हूँ, बाहर देखा तो इतना रश लगा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं बस मैं नहीं कहीं छुप सकती, हर जगह मुझे पकड़ लेते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना प्यार करते हैं। माशाल्लाह, उसके बावजूद भी हम देखते हैं आपके अंदर हम्बलनेस है, कोई ऐसी प्राउड चीज़ हमने नहीं देखी है। अच्छा, तो हॉबीज़, इंटरेस्ट आप बताएं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इंटरेस्ट भी, अगर लिसनिंग, म्यूज़िक, इंटरनेट, ये वो क्या क्या चीज़ें हैं हॉबीज़ में आपकी? मैं कुछ अर्सा पहले था कि मैं सॉन्ग बहुत ज़्यादा सुनती थी और ढूंढने में लगी रहती थी कि कौन सा नया सॉन्ग आया, कौन सा अच्छा सॉन्ग है, वो ढूंढती रहती थी। फिर मूवीज़ वगैरह देखना, अब उससे जो है ना अब इतना नहीं दिल करता ना सॉन्ग सुनने को ना वो करने को, ज़्यादा मैं अब ये चीज़ें कहते हैं ना दिखलावा हो जाते हैं, बताने की नहीं होती, दिखलावा करने का मेरा वो नहीं है। मुल्क की सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं? नहीं बिल्कुल। न्यूज़ वगैरह देखती हैं आपको, खबरें वगैरह क्या चल रहा है मुल्क के अंदर? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो मेरे एक पीए हैं तो वो मुझे कहते हैं कि आप इन चीज़ों में आया करो, देखा करो कि दुनिया के क्या हालात वाकियात हैं, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, ये चीज़ें देखा करो आप ना, दुनिया से वाकिफ रहा करो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा वो नहीं, सोशल मीडिया उस पर नहीं जाती। अच्छा, मीडिया पर तुमने आप देखा है ट्रांस के अंदर, ट्रांस वाली क्वालिटी, लेकिन आपके अंदर भी ऐसी में क्वालिटी सारी लड़कियों वाली, मुकम्मल ऐसे बात करने का तरीका, सलीका, सारा आपका लड़कियों वाला है। तो ये ट्रांस जब आप बने थे आपको कब फील हुआ था कि आप ट्रांस हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए? तो लड़की है वो लड़की हो तो लड़कियों वाली जो है ना आज़ाद हरकत करूँगी। तो
ये हमें नहीं पता होता, किसी ट्रांस को नहीं पता होता कि वो ट्रांस है, वो लोग तारीफ करवाते हैं उनके बोलने चलने में, जब फ़र्क निकालते हैं उन पर, हंसते हैं उनके चलने पर उनके बोलने पर, तो तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, वो लोग मुतारिफ़ करवाते हैं, हमें नहीं पता होता। हम तो हम नॉर्मल समझ रहे होते हैं खुद को, कि जैसे सब खुद इंसान सब नॉर्मल हैं, हम भी वैसे ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही हैं, लेकिन लोगों के जो जहन है ना वो चेंज है थोड़े से हमारे हमें लेकर। अच्छा तो हमें यही बताएं कि महक मलिक कितने घरों को चलाती है, कितनी फैमिली को सपोर्ट करती है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि आप नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना कि रियाकारी आ जाती है, मैं बताना भी नहीं चाहती, हदीस पाक है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि आप अगर ओहद पहाड़ जितनी नेकी करेंगे ना, उसमें अगर राई के बराबर भी जो है ना रियाकारी और दिखलावा हुआ, तो वो क़यामत के दिन आपकी पकड़ का सबब बन जाएगी। और एक अब खजूर की गुटली के बराबर जो ऊपर छिलका नहीं होता, उसके बराबर अगर आप किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, और उस खालिस नहीं है, तो उसमें रियाकारी नहीं है, तो आपको जो है ना जन्नत में ले जाएगी वो चीज़, माशाल्लाह, वो छुटकारे का सबब बन जाएगी, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये इंसान की, मेरे आपकी और किसी इंसान के बस की कोई बात नहीं कि वो किसी पर रहम करे, किसी को कोई चीज़ दे, किसी के साथ नेकी कर सके, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ है, ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तौफीक और अल्लाह ही करवाते हैं तो इंसान कर पाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा है, अगर मैं कुछ करती हूँ तो अल्लाह वो कबूल कर ले, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। इसी तरह हम लोगों की मदद भी करती रहें। महक मलिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फंक्शन पर जाना था, आप हम आए थे आपके शहर में, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हम जिंदगी भर आपकी मोहब्बतों के मखरूज रहेंगे, वैसे भी मैं आपका खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये थी महक मलिक, करोड़ों दिलों की धड़कन, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है, यकीनन आपको इनकी मज़े मज़े की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।